नमस्कार, धर्म टीवी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं देवशयनी एकादशी की। दरअसल हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास से प्रारंभ होने वाले वर्ष के चौथे माह यानी आषाढ़ को सबसे पवित्र महीना माना जाता है। आषाढ़ मास को वर्षा ऋतु का महीना भी कहा जाता है। आषाढ़ भगवान विष्णु का प्रिय मास है, अतः इस मास का धार्मिक महत्व बहुत ही विशेष है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु शिव सागर में शयन करते हैं। कहीं कहीं इस तिथि को पद्मनाभा भी कहते हैं। इसी दिन से चतुर्मास का आरंभ माना जाता है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन से भगवान विष्णु चतुर्मास के लिए सो जाते हैं और देव उठनी एकादशी को ही जागते हैं। इस दिन से देवी देवता चार माह के लिए शयन करने चले जाएंगे। इसे चौमासा भी कहा जाता है। इस दौरान सभी मांगलिक कार्यक्रमों पर विराम लग जाता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही से सब्सक्राइब कर लें, ताकि धर्म एवं संस्कृति से जुड़े ताज़ा अपडेट आपको मिलते रहें। अब बात करते हैं देवशयनी एकादशी पर किए जाने वाले उपायों की, जिनके करने से आपके सभी कष्ट मिट सकते हैं और धन लक्ष्मी की वर्षा हो सकती है। यह धन लाभ तभी मिलेगा जब नियम पूर्वक और सच्चे मन से आप ये उपाय करेंगे। धन धान्य तथा लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए देवशयनी एकादशी के दिन अगर आप निर्जला व्रत ना रख सकें तो कोशिश करें कि एक वक्त फलाहार कर सकें। घर में धन धान्य तथा लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का केसर मिले जल से अभिषेक करें। आपके घर को हर प्रकार के परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी और स्थायी लक्ष्मी का वास होगा। दक्षिणावृति शंख की पूजा। देवशयनी एकादशी के दिन दक्षिणावृति शंख की पूजा करने से धन की प्राप्ति होती है। इस प्रकार आया धन हमेशा फलीभूत होता है। मंत्र का जाप। सुबह सुबह घर की सफाई के पश्चात मुख्य द्वार पर हल्दी का जल या गंगा जल का छिड़काव करें। ओम नमो नारायणाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 108 बार या एक तुलसी की माला का जाप करें। पीपल में जल। इस दिन पीपल में जल अवश्य दें, इससे आपको हर प्रकार के कर्ज से मुक्ति मिल सकती है। दीपक। एकादशी की शाम में तुलसी के सामने गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए तुलसी की 11 परिक्रमा करें। इससे घर के सभी संकट और आने वाली परेशानियां टल जाती हैं। पीले फूलों से भगवान विष्णु की पूजा। इस दिन भगवान विष्णु की पीले फूलों से पूजा करें और खीर में तुलसी मिलाकर भोग लगाएं। पीले रंग के फल, कपड़े और अनाज भी चढ़ाएं और बाद में गरीबों को दान दें। सुहागन स्त्रियों को फलाहार। इस दिन सुहागन स्त्रियों को फलाहार कराकर सुहाग की सामग्री भेंट करना धन समृद्धि तथा खुशियां लाता है। ऐसा ना कर पाने पर कम से कम अपने घर की स्त्री को कोई भी सुहाग का चिन्ह भेंट करें। श्रीमद् भागवत कथा का पाठ। देवशयनी एकादशी के दिन श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करें या सुने। इसके अलावा चतुर्मास के सभी महीनों में विशेषकर गुरुवार के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें तथा भगवान विष्णु के सभी नामों का स्मरण करें। मनोकामना पूर्ति उपाय। इस दिन व्रत रख सकें तो ठीक है, अगर ना भी रख सकें तो प्रातः काल स्नान के पश्चात भगवान विष्णु की सोने चांदी पीतल या तांबे की मूर्ति को पीताम्बर से सजाकर सफेद वस्त्र से सजे तकिए तथा बिस्तर वाले एक छोटे से पलंग पर शयन कराएं। राशि अनुसार उपाय। और अब जानते हैं राशि के अनुसार किए जाने वाले उपायों के बारे में। मेष राशि। सरसों के तेल का दान गरीबों को दे। वृषभ राशि। ज्वार गरीब व गौशाला में दान करें। मिथुन राशि। उड़द के आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को डालें। कर्क राशि। भगवान शिव पर बेलपत्र अर्पित करें। सिंह राशि। मां भगवती के श्री चरणों में गुलाब के 108 फूल अर्पित करें। कन्या राशि। वट वृक्ष के पेड़ में जल अर्पित करें। तुला राशि। गरीब कन्याओं को दूध और दही का दान दें। वृश्चिक राशि।
साबुत मसूर सफाई कर्मचारी को दान दे। धनु राशि, नेत्रहीन व्यक्ति को भोजन कराना लाभकारी रहेगा। चने की दाल कुष्ठ रोगियों को दे। मकर राशि, बाजरा पक्षियों को डालें। कुंभ राशि, 800 ग्राम दूध अपने ऊपर से 8 बार उतार कर 800 ग्राम उड़द के साथ बहते पानी में प्रवाह कर दे। मीन राशि, मिट्टी के पात्र में श्रद्धा अनुसार शहद भरकर मंदिर में रखकर आ जाए या सुनसान इलाके में दबा दे। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार। धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें धर्म.tv और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के आइकन पर क्लिक करें।